जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लाला की ज्वेलरी के लिए कि किस तरह से हम लाला की ज्वेलरी संभाल के रखे। और जो काफी सारी मेरी लाला की ज्वेलरी थी सब मिक्स हो गई थी, तो मैं सदर गई थी, तो वहां से मैं ये बॉक्स लेकर आई हूँ। तो इसी में हम अपने लाला की ज्वेलरी संभाल के रखेंगे ताकि वो अच्छे से केयर हो सके और इधर मिक्स ना हो। टाइम जैसे अपने टाइम पे मिल नहीं पाती है, इधर उधर ढूंढते हैं तो सारा मिक्स हो जाता है। तो हम इस तरह से ज्वेलरी को संभाल के रखेंगे। ये देखो इसमें कितने सारे खाने हैं, 1, 2, 3, 4। ये देखो कितने सारे खाने हैं जो इसमें हम अपने लाला की अलग अलग ज्वेलरी सेट बना के रख सकते हैं। ये देखो कितनी सारी ज्वेलरी है मेरी लाला की, और ऊपर से मैं इनके लिए और मैं कानों के इयररिंग्स लेकर आई हूँ। जब भी मुझे कुछ भी पसंद आता तो मैं ले आती हूँ। तो ये देखो मेरी लाला की सारी सारी ज्वेलरी है। अभी कुछ तो इन्होंने पहनी भी नहीं है जो मैं लेकर आई थी। तो अब मैं इनको कैसे संभालती हूँ, तो मैं वही आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से अपने लाला की ज्वेलरी संभालती हूँ। तो ये है लाला के लिए बिंदी, तिलक बिंदी है ये देखो। और ये मेरे लाला का थोड़ा सुंदर सा सेट है। ये इस तरह से अलग अलग करके मैं लाला के सेट रख देती हूँ। और दूसरा सेट ये भी है, ऑरेंज कलर का है, इसमें इयररिंग्स भी है। देखो कितना सुंदर सेट है। मैं दिखाती भी जाती हूँ आपको कि मेरे पास कैसे कैसे ज्वेलरी है लाला की, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये भी इयररिंग्स है, देखो ये कानों के हैं, ये हाथों के हैं, देखो है ना सुंदर। ये है मेरे लाला की, ये लाला का मेरा पूरा सेट है। मैंने सेट बना के रखा हुआ है, लेकिन मेरे पास बॉक्स नहीं था तो वही मैं बॉक्स लेकर आई हूँ। अब मैंने इसको ताकि मैं संभाल के रखूँ, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आप भी अपने लाला की ज्वेलरी को इस तरह से संभाल के रख सकते हो। ये मेरे छोटे लाला का सेट है। ये तो अभी देखो यूज इस्तेमाल ही नहीं करा उन्होंने, पहना ही नहीं है। और दूसरा ये है मेरी माता रानी का टीका, और ये नथ है। कहानी है ये मेरी राधा रानी का सेट। जब भी मैं अपने लाला को, अपने केशव को राधा रानी बनाती हूँ, तो उनका मैं पूरा सेट बना के रख रखा है कि किस तरह से मुझे पहनाना है। ये देखो उनकी पायल, और ये गले का चोकर है, लेकिन वो टीके की तरह लगा के पहन लेते हैं। जो मर्जी बना बुनो के खुद ही पहन लेते हैं। ये इनका पूरा ये वाला सेट है। और देखो अपने आप ही ये शॉपिंग करते हैं, मैंने लास्ट मेरी वीडियो में देखा ही होगा। ये देखो पहले ये ग्रीन कलर का सेट आया था, और उसके साथ कड़े हैं ये वाले सेम यही। ये भी आपको खोल के दिखाती हूँ। बोलते ना अपने आप ही शॉपिंग करते हैं, जो इनको पसंद है बाद में चल लेना हो चाहे कुछ भी हो। ये देखो कितना सुंदर सेट है ये। मैं जब भी कभी भी मार्केट जाती हूँ ना, तो मैं जरूर कुछ ना, सबसे पहले तो मैं लाला, पहले तो अपने लिए देखती थी। जब मेरे पास लाला नहीं थे तो मैं अपने लिए ढूंढती थी, मैं इतनी सेवा नहीं करती थी, मुझे नहीं पता था। मैं जब से मैं लाला मेरे पास आए हैं, तब से मैं ना बस अब मुझे कुछ नहीं, बस मार्केट में जाती हूँ, सबसे पहले मैं अपने लाला के लिए ही ढूंढती हूँ कि मुझे क्या मिल जाए, मैं क्या लूँ। मतलब ढूंढते रहते, मेरी नजर है ना बस उनके सामानों को ही देखने को लगी रहती है कि मैं देखूँ। और देखो ये वाला ग्रीन कलर का सेट, मैंने बताया था ना अपने आप ही शॉपिंग करते हैं। ये देखो ये पहले ले आया, ये सबसे पहले लेकर आई थी मैं, ये भी मैं सदर से लेकर आई थी। ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये दोनों एक साथ आए थे। ये देखो ग्रीन से मैच करता हुआ, देखो मैं कह रहा हूँ अपने आप ही शॉपिंग करते हैं। ये ब्लू कलर का देखो, इससे ना सब मिक्स नहीं होता और ज्वेलरी ना खराब नहीं होती है, बिल्कुल आराम से संभाल हो जाती है चीजों की। तो मैं अपने खुद के साइड पे ना इस तरह से संभाल के रखती हूँ, और अपने लाला के भी मैं इस तरह संभाल के ही रखती हूँ। और ये मेरे छोटे छोटे लाला है ना, छोटे लाला उनके सेट है ये वाले। और ये देखो कितना सुंदर सेट है मेरे लाला का। और दूसरा ये भी उन्होंने एक बार भी नहीं पहना ये वाला सेट, अभी रखा हुआ है, पता नहीं अब कब पहनेंगे कब नहीं, वो तो उनसे कब पहना वो खुद ही पहनेंगे, जब भी उनका मन करेगा जब मर्जी निकलवा के पहन लेंगे। इस तरह से
और ये देखो ये मैं ना वृंदावन से लाई थी लाला के लिए जरखन के कड़े। देखो ये काले नहीं पड़ेंगे, वैसे तो दुकान वाले ने बोला था कि काले नहीं पड़ेंगे और वैसे ठीक चल रहे हैं अभी तो, पिछले साल ही लेकर आई थी मैं और देखो अभी तक काले नहीं पड़े, लेकिन मैंने इसको कॉटन में डाल के ऐसे रखे हुए संभाल के, क्योंकि हम भी तो अपनी ज्वेलरी संभाल के रखते हैं ना, तो इस तरह से हमें भी अपने लाला की ज्वेलरी संभाल के रखनी चाहिए। और ये मेरे छोटे से लड्डू का मुकुट है। मेरे साथ क्या हुआ देखो, मैंने जब ऑनलाइन मंगवाया था ना तो सारे सेट मैंने वृंदावन से ही मंगवाए थे सारे सेट। अब देखो कितने कितने बड़े सेट आए हैं, देखो ये वाला और एक ये वाला, देखो एक ये वाला सेट है, मैं आपको दिखाती हूँ लाला के लिए एक ये वाला सेट है लाला का। और मैं दिखाती हूँ देखो एक ये वाला सेट है लाला का, एक ये वाला सेट है। देखते जाओ आप मेरे लाला के, ये तो एक कलेक्शन हो गई मेरे लाला की ज्वेलरी। देखो किस तरह के, ये देखो एक ये है, ये सारे पांचों के पांचों बड़े आ गए सेट। अब मैं उन कैसे पहनाऊं लेकिन पीछे कैसे ना कैसे करके पिन लगा के मैं इस तरह से पहनाता हूं ताकि जैसे मेरे लाला के लगे भी ना और उनको हैवी भी ना लगे, बहुत मुश्किल से मैं उनको पहनाती हूं। और ये दो तो उन्होंने, ये वाला तो उन्होंने पहना भी नहीं है सेट एक तो, अब इनको ना ये इसलिए रखे मैंने, तारे क्या पता मेरे पास बड़े लाला आ जाए, इसलिए प्रभु पहले से ही शॉपिंग करा रहे हैं, क्या पता वो तो प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, पता नहीं वो क्या लीला कर रहे हैं मेरे साथ, इसलिए एक तो ही जल्दी कर। इनको तो मैं अलग ही बॉक्स पर रखूंगी ताकि बड़े सेट है ना इसलिए ये आएंगे नहीं, अगर ऐसे रखूंगी तो टूटने का डर है, तो इसलिए इसको सीधे के सीधे मैं बड़े बॉक्स में रखूंगी। छोटे वाले लड्डू का ना मुकुट है ये, देखो टूट गया ये, देखो ऐसे रखते थे ना, मैं बता रही हूँ छोटे छोटे बॉक्स में मैं जैसे रख देते थे तो जब भी निकल के अपने आप टूट गया, देखो ये, लेकिन किसी ना किसी तरह से मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगी। और ये है राखी है, लेकिन मैंने इसको फ्रेश है बिल्कुल राखी है, मैं नहीं ली थी तो बच गई थी, मेरे पास रखी थी तो मेरे लाला के लिए कमरबंद बना के रखी है मैंने। और मैं जो अभी न्यू लेकर आई हूँ तो वो है मेरे लाला के लिए इयररिंग्स, है मेरे लाला के एक साथ, क्योंकि इयररिंग्स पहनाती हूँ तो वो पीछे के ना इनके जो डार्ट होते हैं ना वो खो जाते हैं, तो ये देखो ये वाले मैं अलग अलग कलर के, इसमें हर तरह के कलर के जैसे ड्रेस के मैचिंग के, हर ड्रेस से मैच हो जाए। ये देखो मेरे बड़े वाले लाला के इयररिंग्स, इसमें छह है, ये मेरे को मतलब की शॉप में मिल गए थे, कुछ ना कुछ ढूंढते रहो। ये वाले हैं ये मेरे केशव के हैं ये वाले, और ये वाले जो इयररिंग्स हैं ये मेरी राधा रानी के हैं, ये देखो ये वाले इयररिंग्स। और जो ये वाले हैं ना ये देखो, ये केशव के लिए ब्लैक वाले हैं नहीं, उनके पास ब्लैक कलर का ना कोई सेट है और ना कोई इयररिंग्स है। तो इस तरह से मैं अपने लाला की सारी ज्वेलरी संभाल के रखती हूँ। और ये जो रेगुलर जो पहनते हैं ना, जो रेगुलर पहनते हैं वो ये रहे देखो, और ये मेरे लाला का गजरा है, ये तो आर्टिफिशियल गजरा है, वैसे नॉर्मली कभी जरूरत पड़ती है कभी नहीं हो पाता है, मेरे पास नहीं है तो मैं ये वाला, इसे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, वैसे बड़ी सुंदर खुशबू है मेरे लाला के गजरा है, जब भी जरूरत होती है तो मैं ये वाला भी लगा देती हूँ, उनको माला की तरह पहना देती हूँ। तो ये है, मैं चीजों को बहुत अच्छे संभाल के रखती हूँ, ये तो मेरी है आदत इस तरह से। और ये मेरे लाला की ना ये रेगुलर ज्वेलरी है, ये जो रेगुलर पहनते हैं ना, जैसे सेट ये वाले सेट है ये मेरे लाला का, ये देखो, और ये माला है, ये वाली झंडे वाले मंदिर से मिली थी माला तो मेरे लाला को ही मैंने पहनाई। और ये मेरे लड्डू का सेट है, ये इनका ये सारा देखो ना ये वाला है, ये अलग देखो जैसे ये हो रही है ना गोद पर्सी हो रही है,
ये सब ऐसे हो रही, तो ये सारा का सारा मैं इस तरह से लाला के लगा दूंगी, तो इससे अच्छे से संभाल हो जाएगी चीजें, इधर उधर गिरती नहीं है। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सच्ची में, चीजें संभालना रखना बड़ा आसान बात नहीं है। ये पता नहीं बड़े लाला आएंगे, क्या पता वो धारण करेंगे ये सारी ज्वेलरी। ये रखी हुई है देखो, नई पोशाक पहननी है, ड्रेस पहननी है तो मैच करके कुछ भी पहना दो। तो इस तरह से मैंने लाला के लिए पूरा ज्वेलरी बॉक्स तैयार करा है। अब ये देखो, इस तरह से मेरे लाला की ये सारी ज्वेलरी कलेक्शन है, ये देख लो आप। तो ये थी मेरे लाला की आज की ज्वेलरी की कलेक्शन। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखना कि मेरे लाला की पोशाक किस तरह से मैं रखती हूँ संभाल के। तो प्लीज आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो जय जय श्री राधे, हरि बोल।